तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी फाइल देने वाला हूँ जिस अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं या ऐप डेवलपमेंट करते हैं या डिज़ाइन करते हैं तो ये फाइल उसमें बहुत काम आने वाली है। इसमें मैं आपको 17 फाइलें दूंगा, 17 फाइलों के अंदर बहुत सारा ऐसा मटेरियल है और वो है किस चीज़ में, AI यानी कि इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर में ओपन होगा और हाई क्वालिटी होगा, आप वेबसाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐप के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी फ्री में। तो बहुत कुछ इसमें नया है जो आप अपनी वेबसाइट वगैरह में इधर से गूगल से अगर आप चीज़ें उठाते हैं तो वो आपको HD नहीं मिलती, साफ नहीं मिलती, अपने मुताबिक की नहीं मिलती। तो इसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, AI फाइल है तो इसको आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप, आप देख रहे हैं दीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज हमारा टॉपिक। यहाँ पे मैं अपने डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ, यहाँ पे मैं आपको थंबनेल दिखा देता हूँ। ये थंबनेल है हमारा आज का वेब डिज़ाइनिंग एंड ऐप डिज़ाइनिंग A to Z एलिमेंट इलस्ट्रेटर फाइल, 17 फाइलें हैं। इसमें आपको मैं खोल खोल के दिखा देता हूँ कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए 17 फाइलें हैं यहाँ से यहाँ तक। और अगर आपको और फोटोशॉप का डाटा चाहिए हो तो फोटोशॉप की वेबसाइट मैंने एक आइकॉन छोड़ा हुआ है फोल्डर के अंदर, आप इसको डबल क्लिक करके सिंपली उस वेबसाइट पर जा सकते हैं। अब हमने करना क्या है, तो सबसे पहले हमने इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास इलस्ट्रेटर है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारा इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अब हम क्या करते हैं कि उन्हीं फाइलों में जाते हैं। सबसे पहली फाइल आपको दिखा देता हूँ, इसमें आपको ये मटेरियल मिलने वाला है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये सारी जो है आप ओरिजिनल फाइलें इस्तेमाल कर सकते हैं, हाई क्वालिटी होगी। तो इसमें अगर थोड़ी बहुत कलरिंग चेंजिंग या कुछ भी करना हो वो आप कर सकते हैं क्योंकि ये ओरिजिनल फाइलें हैं। तो इनमें बहुत सारी फाइलें हैं, बहुत कुछ इसमें है, तो अब एक एक ओपन करके दिखाता रहूँ तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ इसको एडिट कैसे करना है आप लोगों ने। जैसे ये चीज़ है हमारे पास, अब इस वाले को मैं उठाता हूँ और अपने इलस्ट्रेटर में जाके हैंग देता हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ पे ओपन हो गया, मैं कंट्रोल जीरो करके फिट कर लेता हूँ। ये देखें हर चीज़ एक अलग-अलग खुद डिज़ाइन की हुई है, इसमें से कोई एक चीज़ आप निकाल के तो उसको आप अलग से PNG में सेव करके उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप लेयर्स में चले जाएं, लेयर्स में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें ये मोबाइल की लेयर है, अगर मोबाइल में से अगर आपको कोई इस तरह से ये चाहिए हो, जैसे कि मैं इनको ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसमें चले जाता हूँ। ये देखें इसको मैं ओपन करता हूँ और इसमें सबसे पहला हमारे पास ये है और इसके अंदर आप क्या करेंगे सारी लेयर्स को बंद कर दें। ये आप देख सकते हैं इसमें से आप कोई भी एक चीज़ निकाल के उसको अपने वेबसाइट या ब्लॉग में आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक एक चीज़ इसकी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप लेयर को खोलते जाएं इसके अंदर आपको और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ये देखें तो आप इस एक एक चीज़ को चेंज कर सकते हैं। ओरिजिनल फाइलें हैं, हाई क्वालिटी है यहाँ पे, क्योंकि इलस्ट्रेटर है, इलस्ट्रेटर का आपको पता ही है वेक्टर बेस होता है इलस्ट्रेटर और इसके पिक्सल ख़राब नहीं होते। तो इसको आप यूज़ करके अच्छी लुक दे सकते हैं अपनी वेबसाइट या अपने ऐप को। होता क्या है ऐप या वेबसाइट में एक इमेजेस ही होती हैं, इमेजेस को कनेक्ट इस तरह किया होता है कि वो एक आपको ऐप की शक्ल में नज़र आती हैं और कुछ आपको जो है वेबसाइट की शक्ल में नज़र आती हैं। तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम बंद कर देते हैं और इसको अब हम लगाते हैं पासवर्ड और बता देता हूँ कि डाउनलोड कहाँ से करना है इसको आपने। तो मैं बैक चला जाता हूँ यहाँ पे, पहले तो इसके अंदर एक वेबसाइट है ये फोटोशॉप वेबसाइट, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं डाउनलोड के अंदर चला जाता हूँ, डाउनलोड यहाँ पे पासवर्ड डाउनलोड है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और ये हमारे पास अलहदा से ओपन हो गई। इसको मैं डबल क्लिक करके सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C से और अब इसको हम लगाते हैं पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे Add to Archive, उसके बाद zip फाइल, उसके बाद पासवर्ड और यहाँ पे पासवर्ड पेस्ट किया और इसके अंदर नंबर लिख देते हैं। मैंने ऐसे रैंडमली नंबर लिख दिया 456। तो आप इसको जब तक आप ये पासवर्ड नहीं लगाओगे ये ओपन नहीं होगी।
तो इसको मैं ओके कर देता हूँ और ये हमारा हो गया। तो आपने इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ पे सिंगल क्लिक करके 5 सेकंड के ऐड को स्किप करके वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो अब मैं इसको डिलीट करता हूँ और इसको करता हूँ री अपलोड। इसको अपलोड करूँगा तो ये आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पासवर्ड देखने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। यही थी आज की हमारी वीडियो। और इस तरह का कोई भी डाटा आपको चाहिए जो आपको आसानी से ना मिल रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं वो डाटा भी अपनी वेबसाइट पे अपलोड ज़रूर करूँगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।